दोस्तों आज मैं एक मोटोरोला का MTXT16 थ्रेड सेट आता है तो अभी मैं उसको दिखाता हूँ। ये देखो मोटोरोला मोटो एम XT16 थ्रेड है, इसका मॉडल नंबर है। तो कहने का मतलब इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है चार्जिंग की, तो इस चार्जिंग में हमारा एक्चुअली क्या होता है मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है हमारा, ये चार्जिंग जैक कई बार सही होता है हमारी, अगर ये फ्लैक्स केबल लगी हुई है, ये फ्लैक्स केबल एक्चुअली बेसिकली कहीं पर ना मिलने के कारण हमारा चार्जिंग की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है तो मैं अभी आपको सारे डिटेल से बताने लगा हूँ। ये देखो पहले हमारा ये जैक लगा हुआ है, ये चार्जिंग जैक का जो मेन चार्जिंग जैक से जहाँ हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर पे हमारे 5 वोल्ट पहुँचते हैं और यही 5 वोल्ट हमारे जैक के इधर लास्ट नंबर वाले पिन पे पहुँचते हैं। इधर से ही देखो ये एक प्रिंट जा रहा आगे हमारा फ्लैक्स केबल से, तो ये हमारा आगे एक जीनर डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, ये जीनर डायोड के एक्चुअली पॉजिटिव पॉइंट पे पहुँचता है। यहाँ कैपेसिटर है, एक जीनर लगा हुआ है, ये हमने एक्चुअली बेसिकली हमारा ये फ्लैक्स केबल ख़राब थी तो ये फ्लैक्स केबल ना मिलने के कारण हमने इसमें देखो एक जंपर वायर डाली है, तो हमारी ये प्रॉब्लम एक्चुअली बेसिकली सोल्व हो गई हुई है। तो कहने मतलब कभी आपको ये प्रॉब्लम आए तो आप बहुत इजी तरीके से ये इसमें एक यहाँ एक जीनर ब्लैक कलर का जो जीनर लगा है इस पर एक जंपर देना, और जंपर सीधा ये हमारे जो नीचे कैपेसिटर लगा हुआ है ये देखो हमारा जो कैपेसिटर लगा तो हमारी ये प्रॉब्लम चार्जिंग की सोल्व हो जाती है। तो अभी मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। ये देखो हमारा दोस्तों ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है चार्जिंग की, हमारा इंडिकेशन आ चुका है चार्जिंग का, तो ये सेट ओके हो चुका है। ओके थैंक यू।